ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषान आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से है। बता दें कि रीवा में दिल दहलाए दे वाला हादसा सोमया बरा जोने में यह अफवाह फैलाई गई रही के सिलेंडर ब्लास्ट के कारण पूरी दुर्घटना सोमया आई जहां माँ और बच्चा के दर्दनाक मौत हो गई। अब ये पूरे मामले में नया मोड़ सोमया बा जहां खुलासा यह भा है कि दहेज प्रताड़ना के कारण पति के द्वारा पत्नी का आए दिन परेशान की जात रहा और ऐसे में परेशान पत्नी के द्वारा यह आत्मघाती कदम उठाए लेगा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजनिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि यह घटना 16 जनवरी के दोपहर के बताई जाती जहां रीवा के मनगवा बस्ती में 25 साल के अंजना वर्मा और 1 साल के बेटा के अधजला शव मलबा से निकाले गए रहे। घर में आग लगी रही, छप्पर नीचे आएगा रहा और बतावा गा रहा कि खाना बनावे के दौरान हादसा हो गया। पुलिस पहुंची तो ससुराल वाले की तरफ से बतावा गा कि महिला जो ने घर में खाना बनावत रही दोनों दरवाजा जो रहा कमरा के बंद रहा और के कारण माँ और बच्चा कमरा के भीतर फंस गए और यह बड़ी घटना हो गई। ऐसे में मनगवा पुलिस के द्वारा परिजन कले के पूछताछ की गई जोने में खुलासा भा कि परिवार के अलग अलग लोगन के बयान अलग अलग सामने आए हैं। बता दें कि जांच के बाद पता चला कि पति के प्रताड़ना से तंग आए के पत्नी के द्वारा यह आत्मघाती कदम उठा लेगा रहा जिसके बाद अब आरोपी पति का गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट के द्वारा अब पति का केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया है। इस मामले में सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी डॉक्टर आरपी शुक्ला के द्वारा बतावा गया कि जांच में मामला शुरुआत में संदिग्ध नजर आवत रहा। परिजन जहां हादसा के रूप देते रहे पूरी घटना का तो है ऐसे में परिजनन के अलग अलग बयान सुने आए रहे जिसके बाद पूरे मामला के छानबीन की गए। बता दें कि महिला के मायका सीधी जिला में बतावा जाता है जहां मायके वालन के द्वारा ससुराल वालन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। मायके वालन के द्वारा यह कहा गया कि 6 साल पहले 2016 में बेटी के विवाह भर रहा और तब से परिवार वालन के द्वारा लगातार दहेज कलई के प्रताड़ित की जात रहा। पुलिस के कहा है कि आरोपी पति पिछले कुछ साल से नागपुर में रहते रहे और यही दौरान महिला अपने बच्चे के साथ सीधी स्थित मायका में रहती रही। पति पत्नी के बीच रिश्ता सही नहीं रहे और वजह यह मानी जात रही कि पति के द्वारा अक्सर दहेज कलई के पत्नी के साथ विवाद की जात रहा जेके बाद बता दी कि घटना से दुखी पत्नी के द्वारा यह आत्मघाती कदम उठा लेगा। हालांकि अब ये मामले में कार्रवाई की गए और आरोपी पति अब जेल के सलाखन के पीछे है। तो सजग रही, सतर्क रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। तो और आ गए चलते यार, ऐसे होना तो इनका ही है। काश डैड की बात मानकर अरीना एनिमेशन ज्वाइन किया होता। इसीलिए बाप बाप होता है। चल अरीना एनिमेशन से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। कंग्रेचुलेशंस गाइस, यू ऑल आर हायर्ड। अरीना एनिमेशन, डिमांड में रहोगे।